हेलो हेलो, राम ने सिर पे खड़ा, राम ने सिर पे खड़ा, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, ई टेंडरिंग, ई टेंडरिंग, सरपंच देखते, सरपंच देखते, राम ने सिर पे खड़ा, राम ने सिर पे खड़ा, ई टेंडरिंग। हाँ जी प्रवीण जी, हाँ जी, तो आज क्या फैसला लिया है आपने, आज जो धरना आप दे रहे हो विधायक के ऑफिस के बाहर? पहले तो इसकी फैसला यही है कि हम विधायक जी ने पूछेंगे वो हमारा लड़ाई में साथ देंगे या नहीं। अच्छा। अगर वो साथ देंगे तो आने वाले टाइम में हम भी उसके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, नहीं इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, गाँव में नहीं भुगतने देंगे। अच्छा जी, क्या कुछ और कोई सूचना या आपके समर्थन में सरकार की तरफ से? सर कोई सूचना नहीं है। अच्छा जी, हमारी लड़ाई सरकार के साथ चल रही है, चलती रहोगी जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी। अच्छा जी, एक और बात सामने आई है कि 10 लाख रुपए तक का जो ग्रांट है वो आपको दी जाएगी, तो क्या 10 लाख रुपए में आप खुश हो जाओगे? हम तुम्हारे पूरे अधिकार लेवांगे। तो यार अधिकार कितना जी? 20 लाख तो पहले था, 20 तो चाहिए चाहिए, यानी फालतू तो संगठन 20 तो कम से कम है। बाकी जो सरपंचों की कमेटी है नी जी, आज हरियाणा की, अच्छा जी, 10 के 12 में या 20 के 12 में और सोच चाहिए। पहले सरकार बढ़ो तो किस कदम का नहीं बढ़ाया। अच्छा, इसके बाद शुरुआत करो, अच्छी शुरुआत करो, शुरुआत तो करो सरकार है, क्या करती है उसके बारे में फिर सरपंच सोचेंगे, यूनियन कमेटी बैठेगी। अच्छा जी, उसके बारे में फिर सोचेंगे, 20 में 6 में तो आंगे या 25 में या 10 में। तो उजाना के सरपंच है हमारे साथ सिल्लू जी। हाँ जी सरपंच साहब, तो जो ये धरना शुरू किया है, कब से कब तक आपका ये धरना जारी रहेगा और धरने में क्या क्या आपकी मांगे रहेगी? देखिए, जब तक MLA साहब यहाँ नहीं पहुँचते और विधानसभा के आने वाले सत्र में हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमें विश्वास नहीं दिलाते, तब तक ये धरना चलेगा। और ये सरकार जो गठबंधन की सरकार है कि ये झूठ की दुकान है, बार बार इस बड़े अच्छे तरीके से झूठ बोलना जानती है, इसीलिए ये बार बार अब सत्ता में आने का काम करती है। और अपने जब गुरु रविदास जी की जयंती थी तो अपने CM साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से झूठ बोला कि सरपंचों के खाते में पैसे आए हुए हैं और उनको पैसे का इस्तेमाल करें और अपने विकास कार्यों में लगाए, लेकिन CM साहब ये भूल गए भाई पैसा 5 पैसे भी किसी के खाते में नहीं डाले। ये सभी सरपंच साथी भली भांति जानते हैं और ग्रामीण व्यक्ति भी सभी भली भांति जानते हैं, तो लोगों को गुमराह करने का काम ना करें, हमारी मांगों को पूरा करें और ताकि हम जल्दी से जल्दी विकास कार्यों में जुटे, गांव की जो भी समस्या है उसको दूर करने का काम। अच्छा जी, तो आपका ये धरना कब तक जारी है? अनिश्चितकालीन है कैसे है जी, क्या कुछ? MLA साहब के ऑफिस के सामने धरना जो चल रहा है ये अनिश्चितकालीन है, जब तक MLA साहब हमें आश्वासन नहीं देते हम आपकी आवाज़ उठाएंगे या मीडिया के सामने आकर बयान नहीं देते, तब तक ये धरना चलता है। तो क्या विधायक से कोई बातचीत भी हुई है? नहीं, विधायक से कोई बात नहीं हुई है। अच्छा जी, हाँ, और एक दो साथी आए थे विधायक के, बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब तक सामने आके वो बात नहीं करते तब तक हम धरने में बैठे। अच्छा जी, तो एक सरपंच साहब, एक ये बात सामने आ रही थी कि जैसे 2 लाख रुपए की आपकी ग्रांट थी तो वो बढ़ाकर अगर 10 लाख कर दी जाती है तो क्या आप सेटिस्फाई होंगे या फिर जो अपनी आपकी मांग है उस पर ही अड़िग रहोगे? जो हमारी स्टेट लेवल की जो हमारी सरपंच एसोसिएशन की कमेटी है जो फैसला लेगी, जहाँ तक भी लेगी उसी पर हम सहमत हों। ठीक है जी, प्रवीण जी, जो ये धरना शुरू किया गया है क्या नरवाना में है या पूरे हरियाणा में किया गया है? पूरे हरियाणा में किया। अच्छा जी, 90 की 90 विधानसभा। अच्छा जी, तो कमेटी ही फैसला लेगी या कुछ आप लोकल यहाँ फैसला लोगे जी? पूरा फैसला तो कमेटी ही लेगी भाई, करना क्या है मसलों का तोड़ तक सेट करेंगे, लेकिन हमारा दो आदेश कमेटी को होगा मुश्किल चलते। अच्छा जी, विधानसभा सरपंच जी शुक्रिया। हाँ जी सरपंच साहब बोलो जी, क्या कुछ कहना चाहोगे धरने के बारे में? ये जो धरना प्रदर्शन लगाया क्यों लगाया है? क्यों लगाया? हमारी मांग पूरी करो सरकार। अच्छा जी, इतने नहीं मांग पूरी हम दिन में चलता रहेगा, कोई सरपंच बिल्कुल विकास कार्य काम में नहीं करवाएगा। अच्छा, टेम में कोई भी MLA मंत्री गाँव में आवागा जल करेगा उसको नहीं घुसने देंगे गाँव के अंदर। अच्छा जी, कोई भी अगर मान लीजिए आता है कार्यक्रम के लिए उसका बहिष्कार करेंगे। अच्छा, जोर शोर से
प्रवीण जी, जैसे सरपंचों की तरफ से आ रहा था अभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे, अगर नॉर्मली सत्ता में जो नेता है वो आ जाते हैं तो क्या उनका इस प्रकार से भी विरोध किया जाएगा? मान लीजिए किसी का छोटा मोटा प्रोग्राम है उसमें भी आ जाते हैं तो सुनने नहीं देंगे? अच्छा जी, पहली बार भी जो अपने गुरु रविदास जी की आठ लेके सीएम खट्टर साहब ने यहाँ घुसने का काम किया है, अगर सीधा तरीका तो राजनीतिक रैली एरिया कोई भी आवेदन तो अच्छा जी न। प्रवीण जी, किन किन वर्गों का आपको समर्थन मिल रहा है? सभी वर्गों का समर्थन हमारे साथ है, ये हमारी सरपंचों की लड़ाई नहीं, आमजनी की लड़ाई है और सभी हमारे साथ लगे हुए, किसान यूनियन हो कोई भी हो, ठीक है, सभी जितने वर्ग है सभी हमारे साथ जुड़े हुए। तो भाई गुरुदेव उजाना से है और किसान यूनियन में हमेशा रहते हैं आगे। हाँ जी गुरुदेव जी, देखिए जो हमारे सरपंच एसोसिएशन पूरे हरियाणा के धरने पर बैठे हुए हैं और जो गांव का सरपंच मुखिया होता है, जो काम गांव में जो विकास कार्य गांव में करने होते हैं वो सरपंच को ही करने होते हैं, और जब हमारे सरपंचों को सरकार ने धरने पर बैठा दिया तो गांव का विकास कैसे होगा? बिल्कुल, कैसे हमारे स्कूल अच्छे होंगे, कैसी हमारी शिक्षा अच्छी होगी, कैसे हमारे गाँव की गलियाँ होंगी? तो हम सरकार से कहते हैं कि जल्द से जल्द इन सभी सरपंच भाइयों की जो मांगे हैं उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से समर्थन करती है सरपंचों का, और जहां भी हमारी जून होगी हम इनके कदम के से कदम मिलाकर चलेंगे, और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हम इनका पूरा समर्थन करेंगे, क्योंकि सरपंच होता है गाँव का मुखिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ई टेंडरिंग के खिलाफ आज नरवाना के विधायक के ऑफिस के बाहर आज धरना देना शुरू कर दिया गया और अनिश्चितकालीन है, कोई कॉल नहीं आती जब तक यहीं पर जो प्रदर्शन है करते रहेंगे सभी सरपंच है। और ये नरवाना के विधायक के ऑफिस के बाहर से तस्वीरें दिखाई जा रही है। हाँ जी अनिल कुंडू जी, क्या कुछ कहना है प्रदर्शन के बारे में? जो हमारे तो सबसे बड़ा विरोध एक चीज़ का है, आज से पहले मैं तकरीबन इनकी कुछ नीतियों से सहमत था, लेकिन पहले तो जो हमारे मंत्री थे देवेंद्र बबली, उन्होंने सरपंचों को चोर कहा और बची कुछ जो कसर थी वो जो हमारे सीएम साहब हैं वो निकाल गए, उन्होंने कहा कि अगर सरपंचों को सही है किसी गांव में इसका लोन ले ले। अच्छा तो जी सबसे बेइज्जती वाली बात तो ये करी है कि सरपंच कोई नंगड़ थोड़े हैं, ना किसी नंगड़ घर से हुए, जो भी गाँव का सरपंच बनता है नहीं वो एक खानदानी आदमी बना है। अच्छा, उन्होंने सीएम साहब ने खुद ने अंदाजा लाना चाहिए सरपंच के घर में है नहीं, प्रतिदिन 5 किलो दूध तो कम से कम चावल लायक जी है, उन्होंने जो ये घटिया सोच की बात कही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, उन्होंने जो ये बात कही कि सोच समझ के कहनी चाहिए थी। अच्छा जी, गाय भैंस पर लोन ले ले, हाँ जो खट्टर साहब ने कहा नहीं कि अगर सरपंच को चाहिए किसी गाय या भैंस का लोन ले ले। अच्छा, ये बात हमारे को सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा बुरी लगी और इससे हर सरपंच का खून और बुखड़ाया और जो धरना था वो और तेजी पकड़ गया। बिल्कुल, तो भाई देख सकते हैं काफ़ी नाराज भी है, सीएम खट्टर के कुछ बयान भी आए थे ई टेंडरिंग को लेकर, जिससे जो सरपंच है वो काफ़ी नाराज भी है क्योंकि ऐसी ऐसी कुछ बातें बोली गई जिसको लेकर जो सरपंच है नाराज है। तो आप देख सकते हैं नरवाना के विधायक के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है सरपंचों का, और एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।